बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मर्तबा एक यहूदी आलिम आया। उसने आपके सामने सवाल रखे और कहा, आप मुझे इन सवालों के फौरी तौर पर जवाब दें, शुक्रिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सवाल करो। उसने कहा कि आप ये बताएं, वो कौन सा मर्द है जिसकी ना वालिदा है और ना वालिद, और ये बताएं वो कौन सी औरत है जिसका ना वालिद है ना वालदा, और वो कौन सा मर्द है जिसकी वालदा तो है मगर वालिद नहीं है, और वो पत्थर कौन सा है जिससे एक जानवर की विलादत हुई, और कौन सी औरत है जिसने एक ही दिन में तीन पहरों में एक बच्चे को जन्म दिया, और कौन से वो दो दोस्त हैं जो कभी आपस में दुश्मन नहीं बनेंगे, और वो कौन से दो दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे। आलिम के सवालात ख़त्म होते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे सवालों के जवाबात ये हैं कि वो मर्द जिसका ना वालिद है और ना वालिदा, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और वो औरत जिसका ना वालिदा है और ना वालिद, वो अम्मा हवा अलैहिस्सलाम है। जिस पत्थर के बारे में तुमने पूछा, वो पत्थर है जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की पैदाइश हुई, और वो औरत जिसने तीन पहर में बच्चे को जन्म दिया, वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है, जिनको एक पहर में हमल ठहरा, दूसरे पहर में जचगी का दर्द हुआ, और तीसरे पहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, और वो दो दोस्त जो कभी आपस में दुश्मन नहीं बनेंगे, वो रूह और जिस्म हैं, और वो दुश्मन जो आपस में कभी दोस्त नहीं बनेंगे, मौत और ज़िंदगी हैं। ये जवाबात सुनकर वो आलिम हैरत के समुंदर में खो गया और कहने लगा, हज़रत अली, बिला शुबा आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं, और वाकई आप इल्म के शहर का दरवाज़ा हैं।